बारा में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। बारा में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर में चार चार फीट पानी जमा होने के बाद जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय, एसपी विनीत बंसल ने जलमग्न क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि लोगों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी अपने अपने हिसाब से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगी है। वहीं एसपी विनीत बंसल ने कहा कि जिले के सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर रखा है, कहीं पर भी जल भराव की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों को शिफ्ट करने का कार्य कर रही है। आ जा नहीं सकते लोग, सबसे नीचे जगह यही है सर। और चूंकि शहर में एक कटोरे की शेप में बना हुआ है और बीच में जो प्रताप चौक का एरिया है वो विशेष रूप से डीप है, यद्यपि नालों की सफाई हुई है लेकिन फिर भी काफ़ी पानी यहाँ इकट्ठा है। अब सब तरफ से हमने इसको बंद कर दिया है, लोगों का आवागमन बंद कर दिया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, नगर परिषद की पुलिस फोर्स पूरी लगी हुई है और ज़िले में भी जो स्थितियाँ हैं सावाद क्षेत्र में विशेष रूप से वहाँ पर हमने लोगों को शिफ्ट कर दिया है। कल ही 500-600 लोगों को दूसरी जगह स्कूलों में और शरण स्थलों पर ले जाके रख दिया है, खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी है। हमारी रेस्क्यू टीम भी काम कर रही है, किशनगंज एरिया में काम कर रही है, आज मांगरोल एरिया में भेजी है पूरी व्यवस्था। इवन जो बाहर से रहबारी अपनी भेड़ों को लेके आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सभी थानों को अलर्ट पर मोड पर रख रखा है, सबको कह रखा है कि प्रशासन से, तहसीलदारों से, सरपंचों से सबसे संपर्क रखें। एसडीआरएफ की दो टीमें हमारी छबड़ा और बारा में तैनात है। अभी आज सुबह ही एक मांगरोल में अभी है ना टीम भेजी है रेस्क्यू करने के लिए, जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बताया। और इसी प्रकार से अभी जो भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर एक गजनोरा गांव है वहाँ पर भी रेवारियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सभी थानों को सब जगह अलर्ट कर रखा है और पूरा समन्वय बना के काम किया जा रहा है। वो परेशान हो रहा है। हाँ किस्मत है इन लोगों की, हमें अभी तो अब एक ये लोग इन्हें देखो बेचारों में दुकानों में सामान बिक गए होगा, ठीक है ना, स्टेशनरी दुकान है यार। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।